बंधुगण भगवान श्रीकृष्ण कहते कि मनीष को सका उठा पर जिनसगुड़िकर दर्शन करवा उचित होनीसगुड़िकर दर्शन करने द्वारा जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य प्राप्ति होइथाय। जो मनुष्य सबुदे जिनसगुड़िकर दर्शन करिथाय ता जीवन में नकारात्मकता समाप्त होइथाय एवं ता जीवन सकारात्मकता रे भरी जाइथाय। कारण बंधुगण आमर घरे किंवा आमर घरर आखपाखरे किछि एमिति जिनिष थाय जहाँ नकारात्मक शक्ति छाड़िथाय एवं किछि एमिति जिनिष थाय जहाँ सकारात्मक शक्ति छाड़िथाय। किंतु आमे सकाळ उठि नकारात्मक शक्ति छाड़ुथिबा वस्तु को दर्शन करती तो आम जीवन उपरे नकारात्मक प्रभाव पड़िथाय। जदि सकारात्मक वस्तुर दर्शन करिबा ताहले आमर जीवन रे सकारात्मक शक्तिर प्रभाव पड़िब। एथिपाई आमर शास्त्र रे किछि एपरि वस्तु विषय रे कहजाई अछि जहाकु सकाळ उठिबा मात्रे मनुष्य को दर्शन करिबा उचित। नित्यदिन एहि जिनिष को दर्शन करिबा बहुत शुभ माना जाय थाय एवं मनुष्य जीवन रे सकारात्मक देखिबा को मिलि थाय। आपण गरीबर सामना करुछंती आपणकर कामरे बाधा आसु अछि किबा आपणकर शत्रुर संख्या बढ़ुछि तो आपण एहि जिनिष गुड़िकर दर्शन करंतु। एहि जिनिष गुड़िकर दर्शन करिबा द्वारा आपणकर जीवनरु सब समस्या दूर होइजिबो। तो आसंतु बंधुगण जानिबा सही जिनिष गुड़िक कौन जहाँ सका उठु उठु देखा उचित होइथाय आउ एमिति कौन जिनिष अछि जहाँ दर्शन करिबा अनुचित से वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ताहा पूर्वर यह वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करि पाखरे आसुथिबा बेल रा आइकन को मध्य प्रेस करंतु। प्रथम जिनिष हैला आईना। वास्तुशास्त्र अनुसार मनुष्य को सका उठिबा परे आईना केबे मध्य देखिबा उचित नुहे। एहिपरि करिबा अत्यंत अशुभ माना जाय थाय। वास्तुशास्त्र रे कुहा जाय अछि सका उठिबा परे आईना देखिबा द्वारा एहार अशुभ प्रभाव भाग्य उपरे पड़िथाय एवं जीवन रे उन्नति आसिबा बदल रे अग्रगति होइथाय। एथिपाय सका उठिबा मात्रे आईना रे निजर चेहरा देखंतु नाही कारण सका उठिबा बेले आमर चेहरा खराब देखा जाउथाय। आ सका उठि एपरि छवि देखिबा द्वारा एहार नकारात्मक प्रभाव आमर मन उपरे पड़िथाय। द्वितीय रे सका उठिबा मात्रे छाई देखंतु नाही। शास्त्र अनुसार सका उठिबा मात्रे छाई देखिबा द्वारा मनुष्य जीवन रे दुर्भाग्य आसिथाय। कारण छाई मनुष्य जीवन रे भ्रम एवं भय निर्माण करिथाय। सका उठि आपण आपणकर छाई देखुछंती तो यह आपणकर जीवन रे आर्थिक परिस्थिति निर्माण करिथाय। आपणकर कार्य अटकी रही जाए एथिपाय सका उठि आपण छाई देखंतु नाही। तृतीय रे सका उठि आपण निजर हाथ पापुली देखंतु। शास्त्र अनुसार सका उठि मनुष्य को निज हाथ पापुली को दर्शन करिबा उचित कारण हाथर अग्रभाग रे माँ लक्ष्मी निवास करिथांती। मध्य भाग रे माँ सरस्वती एवं संपूर्ण हाथ रे श्रीकृष्ण गोविंदक निवास होइथाय। एथिपाई आपण सका उठि हाथर दर्शन करंतु। एथिद्वारा आपण को धन संपत्ति विद्या सुख शांति प्राप्ति होइथाय। कारण हाथर दर्शन करिबा द्वारा माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती एवं भगवान श्रीकृष्ण कृपा प्राप्ति होइथाय। प्रत्येक विद्यार्थी को परीक्षार सफलता पाइबापाई सका उठि निजर हाथ पापुलीर दर्शन कर पाठपढ़ार आरंभ करिबा उचित। चतुर्थरे गोमाता दर्शन। सका उठिबा परे हठात आपण को गोमाता दर्शन होउछि तो एहाकु बहुत शुभ माना जाइथाय। एथिपाई सका उठिबा परे जदि आपणकर द्वारपाख को गाई आसे तो ताकु माड़ मारी उड़ांतु नाही। ताको रुटी खाइबा को दे कानरे मनस्कामना कहंतु। गोमाता कानरे आपण मनस्कामना कहिबा द्वारा माता कामधेनु मनस्कामना पूरण करंती। आपणकर अटकी रहिथिबा काम मध्य पूरण होइथाय। आर्थिक स्थिति रे मध्य सुधार आसिथाय। पंचमरे तुलसीर दर्शन। सकाळ उठि
तुलसी दर्शन करने उचित कारण तुलसी माँ सब प्रकार रोग को भल कर मनुष्य जीवन में आसवाक अघटन को आगुआ जनई जदि घर तुलसी गच्छ सुखी जाए तो जानतु कि घर कौन दुर्घटना आसवाक जाऊँ कि घर पुरुष कौन विपद से पड़ा जाती नीति तुलसी माँ दर्शन कर घर बाहर को जवा उचित माता पिता पाद छुईवा शास्त्र अनुसार यह कहुचे कि मनुष्य को सका उठापर कि कौन कमा पूर्व माता पिता चरण अवश्य स्पर्श करने उचित कारण माता पिता चरण से ही स्वर्गलोक विराजमान अटे एथिपाई जो व्यक्ति माता पिता चरण छुई घर बाहर थाए तार कार्य सफलता अवश्य प्राप्ति होता है माता पिता सेवा अवश्य करतु एवं नीति ताकर चरण छुई बाहर को जातु शेषे सूर्य को जल अर्पण करने सबुठ महत्वपूर्ण एवं धार्मिक काम अटे मनुष्य को सका उठापर नीति सूर्यदेव को जल अर्पण करने उचित सूर्यदेव को जल चढ़ावा द्वारा मनुष्य को तार परजन्मर फल प्राप्ति होता है सका उठापर स्नान सूर्यदेव को तंबा ढाल जल अर्पण करतु एवं मंत्र को अवश्य जप करतु ओम सूर्याय नमः। यह करिबा द्वारा आपणकर जीवनर निराशा नकारात्मकता समाप्त होइथाय आपणकर जीवन रे सुख समृद्धि आसीथाय। तेबे बंधुगण एहा तो थिला सकाळ उठि केउ जिनिष गुडीकर दर्शन कले अत्यंत शुभ होइथाय एवं केउ जिनिष गुडीकर दर्शन करिबा अनुचित होइथाय। आपणकु जदि ए भिडीओटि भल लागिथाय ताहेले तळे थबा आम कमेंट बॉक्स रे जय श्री कृष्ण अवश्य लिखंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करंतु। धन्यवाद।